نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف وَالرَّقِيمِ كانوا من آياتنا عجبا صدق الله العظيم مريم <متصفيق> محترم بھائیو دوستو سورة کحف آية نمبر سات الله تعالى ارشاد اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ ज़ीनत नबलूम अम अहसन अमल जो कुछ भी ज़मीन पर हमने बनाया वो ज़मीन के लिए ज़ीनत है और इसलिए बनाया ताकि हम लोगों का इम्तिहान लें लोगों की आजमाइश लें कि कौन अच्छा अमल करता है इस दुनिया को मेरे दोस्तों अज़ीज़ो अल्लाह ताला ने बड़ा हसीन और बड़ा ख़ूबसूरत बनाया और दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें कुदरत ने पैदा की हैं वो दुनिया की जीनत के लिए पैदा की ये पहाड़ इसलिए ताकि दुनिया हसीन लगे ये चाँद इसलिए ताकि दुनिया हसीन लगे सूरज इसलिए ताकि दुनिया हसीन लगे सितारे इसलिए ताकि दुनिया हसीन लगे दरिया और समंदर इसलिए ताकि दुनिया हसीन लगे ये चरिंदे दरिंदे परिंदे इसलिए ताकि दुनिया हसीन लगे ये बहती हुई नदियाँ गिरती हुई आबशारे और ये ख़ूबसूरत लहलहाते फल फूल बागात ये तमाम चीज़ें इसलिए ताकि दुनिया हसीन लगे तो अल्लाह कहते हैं हमने दुनिया को हसीन बनाया और दुनिया के अंदर जितनी चीज़ें बनाई वो सब इसलिए बनाई ताकि दुनिया के लिए एक जीनत पैदा फरमा दें दुनिया के हुसन के अंदर इजाफा फरमा दें देखो दुनिया के अंदर अगर सिर्फ़ मोर ही मोर होते तो दुनिया के अंदर इतना हुसन ना होता अगर सारी ही चिड़िया होती कोई और परिंदा ना होता तो इतना हुसन ना होता सारे कवे कवे होते तो इतना हुसन ना होता अल्लाह ने चिड़िया भी बनाई अल्लाह ने मोर भी बनाए अल्लाह ने कवे भी बनाए अल्लाह ने बुलबुलें भी बनाई अल्लाह ने कोयले भी बनाई अल्लाह ने दरिया भी बनाए समंदर भी बनाए सहरा भी बनाए फिर समंदर की मखलूक़ात अलग और फ़िज़ा की मखलूक़ात अलग और ज़मीन की मखलूक अलग और चरिंदे दरिंदे परिंदे अलग तो ये तमाम चीज़ें इसलिए ताकि दुनिया हसीन लगे अब इन चीज़ों में आदमी उलझ जाता है अल्लाह कहते हैं मैंने दुनिया को जो ये हसीन बनाया ज़ीनत जीनत वाली दुनिया बनाई वो इसलिए बनाई ताकि अब तुम्हारा इम्तिहान लूँ देखूँ तुम दुनिया के हसन के अंदर इस चमकती दमकती दुनिया के अंदर तो गुम होकर नहीं रह जाते कहीं ऐसा तो नहीं कि दुनिया की चमक दमक को देख कर यहाँ की तरक्की को देख कर यहाँ की इजादत को देख कर सैंस और टेक्नोलॉजी की बेहतरीन से बेहतरीन तरक्यात को देख कर तुम दुनिया के बंदे तो ना बन जाओ कहीं ऐसा तो नहीं कि दुनिया ही के होकर रह जाओ अल्लाह <dilemma> कहते हैं तुम्हारा इम्तिहान है तुम्हारा इम्तिहान है और जब यह दुनिया इम्तिहान गाह है तो जाहिर सी बात है फिर इस इम्तिहान में कुछ लोग वो होंगे जो पास हो जाएंगे कुछ लोग वो होंगे जो फेल हो जाएंगे अल्लाह कहते हैं जो इस चमकती दमकती दुनिया के अंदर भी मुझसे जुड़ कर रहेगा मेरी मान कर चलता रहेगा अल्लाह कहते हैं वो इस इम्तिहान में पास हो जाएगा <लिए यहा> और जो इस दुनिया में गुम होकर रह जाएगा और ये समझेगा अरे यही दुनिया है सब कुछ बस जो ख़ुशी है इसी दुनिया के अंदर है जो मस्तियां हैं इसी दुनिया के अंदर है जितनी अयाशी करनी है इसी दुनिया के अंदर कर ले इस जहान के बाद कोई जहान नहीं इस दुनिया के बाद कोई दुनिया नहीं इस ज़िंदगी के बाद कोई ज़िंदगी नहीं तो अल्लाह कहते हैं वो नाकाम हो जाएगा वो गोया के इस इम्तिहान में फ़ेल हो चुका है उसने इसी दुनिया को और दुनिया की जेब वीनत को सब कुछ समझ लिया है और आगे अल्लाह कहते हैं वह इन्ना लजा मा अः सईद जुर्ज अल्लाह कहते हैं एक दिन आएगा जो कुछ इस ज़मीन के ऊपर है हम सब को चटियल मैदान बना देंगे ये दुनिया हमेशा बाकी नहीं रहेगी ये तो चंद दिन की मेहमान है आरजी दुनिया है आरजी एक मुद्दत के बाद अल्लाह ताला इसको ख़त्म कर देगा इस दुनिया को और दुनिया की हर चीज़ को अल्लाह ताला ने एक मुद्दत के लिए बनाया सबकी एक उम्र मुतन की जिस तरीके से हर आदमी हर जानदार अपनी अपनी उम्र गुजार कर दुनिया से जा रहा है इसी तरह एक वक्त आएगा ये दुनिया भी जब अपनी उम्र गुजार लेगी अल्लाह कहते हैं मैं इसको भी ख़त्म कर दूँगा इसके ऊपर भी मौत तारी कर दूंगा इस पूरी दुनिया को बिल्कुल पूरी जमीन को हमवार जमीन बना दूंगा चटियल मैदान पहाड़ खत्म चांद तारे सितारे खत्म दरिया और सहरा खत्म पेड़ पौधे चरिंद दरिंद परिंद खत्म हर चीज को खत्म करके बिल्कुल चटियल मैदान बना दूंगा इसलिए इस दुनिया से ज्यादा दिल ना लगाओ ये खत्म होने वाली और फना होने वाली दुनिया है और आगे अल्लाह कहते हैं अम हसबता अन्ना अब अलकाफ़ी बर रकी कान आयातिन अजबा क्या तुमने ये ख़याल कर लिया कि ग़ार वाले और रकीम वाले वो हमारी निशानियों में से कोई बहुत अजीब निशानी थे यहाँ से अल्लाह ताला वो तब कहफ का वाक़ बयान करते हैं जिनके नाम पर इस पूरी सूरत का नाम रखा गया कहफ़ का वाक़ ार वालों का वाक़ वो वाक्य क्या है मेरे अजीज़ हो वह तफसील के साथ थोड़ा थोड़ा लम्बा वाक़ा है जैसे जैसे आयात आगे बढ़ेंगी वो वाक़ आपके सामने आता जाएगा अभी इन आयात से मुतल जो वाक़ा है वो सुन लीजिए ऐसा हुआ कि एक मरतबा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ यहूदी आए और उन्होंने कहा कि मोहम्मद हम आपसे तीन सवाल करते हैं अगर आपने उन तीन सवालों का जवाब दे दिया हम मान जाएंगे आप वाकई अल्लाह के नबी पैगम्बर हो लेकिन अगर आपने जवाब नहीं दिया तो फिर आप झूठे नबी हो माजल्ला हुजूर ने फरमा भाई क्या सवाल है उनका पहला सवाल तो ये है हमें ये बताओ कि रूह की हकीकत क्या है दूसरा सवाल ये है कि अब कैफ कौन थे और उनका वाकया क्या है और तीसरा सवाल ये है कि ुलर्न कौन था और उसका किस्सा क्या है ये तीन सवाल पूछे अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम पर यह आयत नाजिल हुई वही नाजिल हुई और तीनों सवालों का जवाब अल्लाह ताला ने उनको दिया पहला सवाल रूह की हकीक़त क्या है इसका जवाब आ चुका इससे पहले पारे के अंदर वहां पर अल्लाह ताला ने रूह की हकीक़त का जवाब दिया और बहुत शॉर्ट बहुत मुख्तर जवाब बस इतना कहा कि रूह की हकीक़त को लोगो तुम नहीं समझ सकते बस इतना समझो अल्लाह के हुक्म से इंसान के जिसम में कोई चीज़ दाखिल होती है तो इंसान ज़िंदा हो जाता है और अल्लाह के हुक्म से कोई चीज़ बाहर निकल जाती है तो इंसान मर जाता है बस रूह की इतनी हकीकत तुम्हारी समझ में आ सकती है इससे ज़्यादा तुम रूह की हकीकत को नहीं समझ सकते क्योंकि तुम्हारी सोच बहुत छोटी है महदूद सोच है इससे ज़्यादा नहीं समझ सकते तो अल्लाह ने इतना जवाब दिया दूसरा सवाल क्या था हमें अब कहफ का वाक़ सुनाओ तो यहाँ अल्लाह ताला वो तब कहफ का वाक़ बयान करते हैं और तीसरे सवाल का जवाब आगे आएगा अहब कहफ़ का वाक़ क्या है मेरे अज़ीज़ हो एशिया कूचक का एक इलाका था जो आज तुर्की के अंदर है ईसा अलीसलात वसलाम के आसमान पर उठाए जाने के 250 साल के बाद उस इलाके में एक बादशाह था जिसका नाम था दकियानूस और ये गैर मुस्लिम था और बहुत कट्टर था लोगों पर बड़ा जुल्म करता था तो उस बादशाह के पास छः नौजवान काम कर देते मुलाजिम थे इत्फाक़ से किसी जो है ईसाई आलिम ने उनको ईमान की दावत दी उन्होंने ईमान कबूल कर लिया जब उनके ईमान का पता उस बादशाह को चला तो बादशाह ने कहा अदालत लगवाई जाए अदालत लगाई गई और इन छह नौजवानों को बुलाया और इनको कहा कि तुम ईमान क्यों ला रहे हो अपना मज़हब क्यों तब्दील कर रहे हो उन्होंने कहा बादशाह सलामत और जज साहब देखो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर हक बात को खोल दी है हक बात को हमने समझ लिया पहचान लिया हम जान गए इस बात को अल्लाह सिर्फ़ एक है उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है हम अपनी मर्जी से ईमान कबूल कर रहे हैं अदालत ने कहा नौजवान हैं जज्बात में आकर ये कदम उठा रहे हैं इसलिए इनको थोड़ा सोचने समझने का मौका देना चाहिए अदालत ने कुछ दिन की उनको मोहलत दी कि देख लो अगर तुम दोबारा से अपने मजहब के अंदर आ जाते हो तो ठीक है हम तुम्हें सोचने समझने का मौका देते हैं लेकिन अगर वापस नहीं आओगे तो तुम्हें सज़ा दी जाएगी ये बोल करके उनको छोड़ दिया अब इन छह नौजवानों ने मशवरा किया कि भाई अब क्या करना चाहिए अगर हम दोबारा से अपने मजहब में जाते हैं तो हमारी आखरत बर्बाद हो जाएगी और अगर नहीं जाते तो बादशाह वो ज्याती करेगा वो सज़ा देगा हमें क़ैद खाने के अंदर डाल दिया जाएगा तो इन्होंने मशवरा यह किया कि किसी ग़ार के अंदर जाकर के छुप जाते हैं थोड़े दिन के लिए देखते हैं कैसे हालात पैदा होते हैं तो ये छः नौजवान इस नीयत से कि किसी गार में जाकर कर छुप जाएंगे और अपने ईमान की हिफाजत करेंगे बाहर निकल गए शहर से शहर से बाहर निकले तो जंगल में पहुंचे तो एक चरवाहा मिला चरवाहा ने भाई कहा भाई कहाँ जा रहे हो इन्होंने कहा भाई हमने ईमान कबूल कर लिया और हमारा अकीदा यह है इसलिए हम अपना ईमान बचाने के लिए किसी ग़ार में जाना चाहते हैं ताकि किसी को पता ना चले छुप जाएंगे उसने कहा भाई मैं भी उसी अल्लाह को मानता हूँ उसी की इबादत करता हूँ इसलिए मुझे भी अपने साथ ले लो कहा भाई ठीक है तुम भी हमारे साथ आ जाओ उसने वहीं पर अपनी बकरियां बकरियां छोड़ दी और यह बंदा भी इनके साथ हो गया अब यह टोटल सात बंदे हो गए उस चरवाहे के साथ एक कुत्ता भी था तो उस कुत्ते को चरवाहे ने भगाना चाहा बकरियों के साथ लेकिन वो जाने का नाम नहीं लेता इन्होंने उसको मारा भी पीटा भी लेकिन वो जाने का नाम नहीं लेता जब बहुत ज्यादा ये तंग आ गए और कुत्ता इनका साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ तो कुत्ते को अल्लाह तबारक वाले ने ज़ुबान दी और कुत्ते ने कहा अरे मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो मैं भी उसी रब की गुलामी करता हूँ जिस रब की गुलामी तुम कर रहे हो मैं भी उसी का उसी का पुजारी हूँ जिसके तुम पुजारी हो इसलिए मुझसे अपने आप को ख़तरा महसूस ना करो मैं तुम्हारे लिए ख़तरा नहीं हूँ मुझे अपने साथ रखो मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा जब अल्लाह ने कुत्ते को ज़ुबान दी तो उनकी भी बात समझ में आ गई कि भाई वाकई ये हमारे लिए ख़तरा नहीं है तो हमारी हिफाजत करेगा चुनानचे ये सात लोग और एक कुत्ता आगे गए और किसी पहाड़ की ग़ार के अंदर जा कर के ये छुप गए थोड़ी देर के लिए लेटे आराम किया तो इनके ऊपर अल्लाह ताला ने नींद को तारी फरमा दिया सुला दिया और 309 साल तक ये लोग उस ग़ार के अंदर सोते रहे कुत्ता भी और ये सात नौजवान भी तीन सौ नौ साल के बाद हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से बीस साल पहले इनकी आँख खुली उसके बाद इनके दरमियान इस बात को लेकर इख्तलाफ़ चला कि भाई हम यहाँ कब से हैं कितने दिन ठहरे हैं कोई कहता हम आधा दिन सोए कोई कहता पूरा दिन सोए कोई कहता एक दिन से थोड़ा ज्यादा सोए अल्लाह कहते हैं अरे एक दिन या दो दिन या आधा दिन नहीं तीन सौ नौ साल हो गए तुम्हें यहाँ सोते सोते और बाद में आगे चल के क्या किस्सा हुआ उसको आप अगले दर्स के अंदर इंशाल्लाह सुनेंगे, अब यहाँ पर तर्जमा देखें अल्लाह कहते हैं तुम्हारा क्या ख्याल है क्या तुम यह समझते हो कि वो ग़ार वाले और रकीम वाले हमारी कोई अजीब निशानी थे रकीम उस पहाड़ का नाम है जिस पहाड़ के अंदर वो गार थी तो अल्लाह कहते हैं वो कोई हमारी बड़ी निशानी थी नहीं इतनी बड़ी निशानी नहीं थी हमने जो उनको तीन सौ नौ साल तक सुला दिया ये हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कोई बहुत बड़ी निशानी नहीं थी अरे इससे बड़ी बड़ी निशानियां हमारी हमने बग़ैर सतूनों के आसमान खड़ा कर दिया तुम्हारे लिए चांद सूरज सितारे पानी पर जमीन को बिछा दिया एक नापाक गंदे कतरे से खूबसूरत जीता जागता इंसान बना दिया ये तीन सौ नौ साल सुलाने से बड़ी बड़ी निशानियां तो इतना ताजुब करने की जरूरत नहीं वो निशानी जरूर थे लेकिन इतनी बड़ी निशानी नहीं थे कि तुम जो है दांतों तले उंगली दबा लो